महिलाओं ने अलग अलग समूह में एकत्रित होकर आंवले के पेड़ की पूजन कर आंवला नवमी का पर्व आस्था के साथ मनाया। बड़वाह की नर्मदा तट स्थित सुंदर धाम आश्रम पर महिलाओं ने पहुंचकर आंवले के पेड़ की पूजन की और उसके बाद परिक्रमा की, परिवार की सुख शांति की कामना भी की और पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन ग्रहण किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति, अनिल राय, किरण जोशी, चंदा गर्ग, रानी परिहार, रजनी दुबे समेत कई महिलाएं शामिल हुईं। वो नहाया जाता है, कार्तिक स्नान करा जाता है और नवमी के दिन विशेषकर आंवले के नीचे पूजा भी की जाती है और आंवले का दान भी कहा दिया जाता है और यहाँ पर भोजन भी करा जाता है। पूजा उजा विशेषकर मतलब आंवला नवमी के दिन इसका ज़्यादा महत्व है आंवले का। कि भगवान दामोदर जी आंवले से बहुत ज़्यादा खुश है और इस दिन आंवले की पूजा करके सभी सुहागनियों और ब्राह्मण को जिमाएं और अपन खुद भी आंवले के झाड़ के नीचे भोजन करो तो इससे पुत्र प्राप्ति होती है और अपना सुहाग अमर रहता है, इसलिए आंवले की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने में राय दामोदर की पूजा की जाती है और आंवले का उससे ज़्यादा महत्व है, इसलिए अपन आंवले की आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है आंवले के नीचे और उसका भोजन भी किया जाता है। क्या क्या किया जाता है पूरी तरीके से बताएं इसमें। सुबह से उठ के राय दामोदर की पूजा की जाती है और आंवले चढ़ाए जाते हैं और पीपल पथवारी की भी पूजा की जाती है। उसके बाद पीपल की परिक्रमा और पथवारी जी की परिक्रमा देके और तुलसा जी की परिक्रमा देके उसके बाद आंवले की पूजा की जाती है और फिर उसके बाद खाना खा के इस दिन कोई उपवास भी किया जाता है। हाँ, आजा आंवले की पूजा के उपवास किया जाता है।